प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम और भी बहुत सारे पोषक तत्वों से भरपूर ये नाश्ता आप बना सकते हैं बहुत ही आसानी से घर पर। तो बिना टेंशन लिए हाई प्रोटीन इस फूड को आप बनाइए और एंजॉय करिए और सेहतमंद रहिए। तो अब सेहतमंद खाना आपके लिए होगा आसान। आप वर्कआउट करते हो या ना करते हो, पर एक सेहतमंद खाना सभी के लिए बहुत ज़रूरी है जो आजकल हम लोग मिस करते हैं। और इतना बढ़िया सॉफ्ट बनेगा ना कि आप हमेशा इसे नाश्ते में बनाएंगे और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत बढ़िया ये रेसिपी होने वाली है। तो इसके लिए हमको चाहिए 100 ग्राम ओट्स। तो इसको मिक्सर जार में डालकर हम इसका एक पाउडर तैयार कर लेंगे और 100 ग्राम ओट्स से देखिए हम कितना अच्छा नाश्ता तैयार करते हैं बहुत ही आसानी से। तो इस तरीके का एक पाउडर तैयार हो जाएगा। उसके बाद में हम 100 ग्राम ने ओट्स लिया है तो यहाँ पर ले रहे हैं 50 ग्राम सेमोलिना यानी कि सूजी। तो 50 ग्राम हम यहाँ पर ले रहे हैं सूजी और इसको और बेहतर बनाने के लिए, एकदम सॉफ्ट बनाने के लिए यहाँ पर दही, तो 100 ग्राम दही मिलाएंगे यहाँ पर। और उसी के साथ में कुछ सब्जियाँ जो आपको पसंद हो, जैसे हमने तो यहाँ पर लिए हैं बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और यहाँ पर मिलाएंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई गाजर। इसके अलावा भी कोई सब्जी आपको पसंद हो, आपके पास हो, तो ज़रूर मिलाइएगा, उससे बहुत बेहतर ये नाश्ता बनेगा। धनिया पत्ती और स्वाद अनुसार हरी मिर्ची और यहाँ पर आधा चम्मच नमक, ये अपने स्वाद के हिसाब से आप डाल सकते हैं और ज़्यादा नहीं, बस आधा चम्मच गरम मसाला और दूसरे मसालों की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पर इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाना है। अभी हम पानी बिल्कुल भी ना मिलाएंगे, देखते हैं दही में और सब्जियों में हमारे कितना मॉइस्चर है, फिर आवश्यकता अनुसार हम पानी मिलाएंगे कि हमको कितना पानी मिलाना है इस नाश्ते को परफेक्ट बनाने के लिए। तो धीरे धीरे करके इसको मिक्स करते रहें और पानी मिलाते रहें। और कितना करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इतना हमको करने के बाद इसे रख देते हैं। और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एक इडली का सांचा, उसमें नीचे थोड़ा सा पानी ले लिया है, उसको गर्म होने के लिए रख दिया है, ढक करके गर्म होने के लिए रख देते हैं। और सांचे की जो ट्रे लेंगे इस पर हम इस तरीके से ब्रश से थोड़ा थोड़ा तेल लगा देंगे ताकि हमारी जो हम इडली के शेप में इस नाश्ते को बना रहे हैं तो आसानी से निकल जाएगा। तो सारी ट्रे में हम इसी तरीके से तेल लगा देंगे। उसके बाद में तुरंत एक इनो का पाउच मिक्स करके डालना है। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे 5 मिनट के लिए इस मिश्रण को रखा और फिर इनो को डाला और तुरंत मिक्स करके हम डाल देंगे इसको ट्रे में कुछ इस तरीके से। ये बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, बहुत कम नहीं भरना है, इतना भर कि परफेक्ट हमारा एक इडली ऐसा एक नाश्ता तैयार हो जाएगा। और आप बिना इनो के बनाना चाहते हैं तो इस मिश्रण को 5 मिनट से ज़्यादा समय के लिए रेस्ट के लिए रखना पड़ेगा, कम से कम आधे घंटे के लिए आप रख देंगे। दही आपने मिलाया है तो उससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा और सूजी जो है ना अच्छी तरीके से फूल जाएगी। तो आप बिना इनो के भी बना सकते हैं, बशर्ते बस ये होगा इनो से थोड़ी ज़्यादा सॉफ्ट और फूली फूली बनेंगी, बगैर इनो के थोड़ी सी कम फूली बनेंगी, लेकिन स्वाद बहुत बढ़िया रहेगा। तो चॉइस आपकी है कि इनो के साथ बनाना है कि इनो के बिना बनाना है। और देखिए सारे सांचों में जल्दी जल्दी हमको रख देना है और इस तरीके से ढककर तेज आंच में हम यहाँ पर इसे लगभग 15 मिनट पका लेंगे। और 15 मिनट के बाद में देखेंगे, ये देखिए क्रैक्स दिखेंगे इसके ऊपर ना, मतलब ये अच्छी तरीके से हमारी जो नाश्ता है पक चुका है। और एक तरीके से और भी हम चेक कर सकते हैं इसे, एक टूथपिक लेकर इस तरह हम बीच में लगाएंगे और देखिए टूथपिक क्लीन आएगी तो ये हमारे नाश्ता हो चुका है तैयार। अब इसे ठंडा होने के लिए रखना है, सारी ट्रे को बाहर निकालेंगे और अच्छी तरीके से जब ये ठंडी हो जाएंगी ना तभी इनको निकालिए, गरम गरम बिल्कुल भी नहीं। गरम निकालेंगे तो चिपक जाएंगे और ठंडे निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से ये आसानी से निकल जाएंगे और स्वाद में ये इतने बेहतर रहेंगे कि इसके लिए आपको ना सांभर की ज़रूरत है ना किसी तरीके की चटनी की ज़रूरत है। आपका मन हो तो आप खा सकते हैं, वरना इसे ऐसे ही खाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको ये। और देखिए है ना कितना आसान और सॉफ्ट सॉफ्ट। तो इस तरीके के ढेर सारे और भी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल क्लिक कर दीजिए ताकि आपको ढेर सारी नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आप देख सकेंगे। और भूलिएगा मत इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मुझे फॉलो कर लीजिए। तो इस तरीके के हाई प्रोटीन वेजिटेरियन फूड आप आसानी से बना पाएंगे घर पर, क्योंकि यही नहीं इसके पास ढेर सारी रेसिपीज़ हैं मेरे पास वेजिटेरियन हाई प्रोटीन फूड की। ये देखिए हो गया ना आसान। तो बस इस तरीके से आप भी बनाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।